हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। सॉरी, जो 9th का वीडियो है वो थोड़ा लेट से आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो है 9th का वो डेली कम से कम एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने जो है पीछे जो है हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है उस पर कुछ न्यूमेरिकल किया था, और मैंने बोला था कि जो एवरेज स्पीड है या फिर जो एवरेज वेलोसिटी है उस पर हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, जिसको आज हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा स्पेशल केस क्या कह रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो केस है आज का, वो केस क्या कह रहा है कि इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल बट स्पीड इज डिफरेंट, कौन सा ऐसा इक्वेशन आएगा जब हमारा क्या हो, डिस्टेंस इक्वल इक्वल ही जाए लेकिन स्पीड क्या हो, अन इक्वल हो, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो डिस्टेंस है उसको क्या कर रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग टू बॉडीज के लिए निकालते हैं, थ्री बॉडीज के लिए, फोर बॉडीज के लिए भी आप निकाल सकते हैं। बस एक बार प्रोसेस को सीख जाइए तो आसानी से आप लोग फाइंड आउट इसको कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, जो डिस्टेंस है उसको लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय और बॉडी इज इक्वल टू क्या कर ले रहे हैं, एस वन इज इक्वल टू एस टू इज इक्वल टू एस, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हम कवर्ड करेंगे वो इक्वली करेंगे। तो चाहे हम एस वन डिस्टेंस कवर करें, एस टू करें, एस थ्री करें, एस फोर करें, जितना भी करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस कारण से इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वी नो फ्रॉम स्पीड फॉर्मूला, स्पीड फॉर्मूला, हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या बताता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमने यहां पे तो डिस्टेंस को मान लिया, अब यहां पे हमको टाइम भी चाहिए। तो टाइम देखिए, अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं, स्पीड को भी लेट कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीड होगा तभी जाके हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या कर ले रहे हैं, हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ टू बॉडीज, एट स्पीड ऑफ टू बॉडीज क्या मान लेते हैं, वी वन एंड वी टू। देखिए, हम लोगों ने स्पीड को क्या मान लिया, v1 एंड v2। अब आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है हमारा, ये वाला, इससे हमारे पास टाइम आ सकता है ना, यहां से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट बॉडीज के लिए निकाल लेते हैं तो टाइम, तो t1 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस तो हमारा ऐसे ही रह जाएगा, और स्पीड कितना हो जाएगा, वी वन। एंड टी टू बॉडीज के लिए क्या हो जाएगा, टाइम सेकेंड बॉडीज के लिए, उसमें भी होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा, एस अपॉन टाइम कितना हो, ये वेलोसिटी उसका जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, वी टू। अब यहां से हमारे पास टाइम भी आ गया, हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो जो चाहिए था वो हमने निकाल लिया। देखिए टोटल, सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया है, ये तो ऐसे ऐसे ही रह जाएगा, तो एस प्लस एस अपॉन टोटल टाइम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी वन एंड टी टू। तो टी वन प्लस टी टू ये कितना हो जाएगा, टू एस, टी वन का वैल्यू कितना आया है, एस बाय बी वन, एस बाय वी वन, प्लस टी टू का वैल्यू कितना है, एस बाय वी टू, इसको भी लिख लेंगे एस बाय वी टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू एस ऐसे ही रह जाएगा, रह जाएगा ना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, वी वन इंटू वी टू हो जाएगा। अब वी वन से वी वन कैंसिल हो गया, तो ये वी टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना,
जो हमारा फ्रैक्शन वाला सम होता है उसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया v1 into v2, और v1 से ये v1 कैंसिल हो गया तो बचा v2। इस v2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा sv2 प्लस, अब इसके साथ v2 कैंसिल हो गया तो v1 बचा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा sv1। अब इस फॉर्म में आया ये तो ऊपर चले जाएगा ना। तो अब हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, 2s into v1 v2 अपॉन, अब इसमें से s कॉमन आ रहा है ना तो s को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा v2 प्लस v1, ये s से ये s कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया, 2v1 v2 by v2 प्लस v1। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन निकल के जो कि हमको रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस जो है किसी बॉडी के द्वारा इक्वली कवर किया जाएगा अनइक्वल स्पीड में तब हमारा एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, 2 into v1 into v2 by v2 plus v1। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन जिसको हमने प्रूव करके देख लिया। अब इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सेलरेशन की ओर फर्दर चलेंगे। ठीक है।